अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं मोना नूर एंड दिस इज अनदर वीडियो फ्रॉम माय चैनल तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एंड ये भी बताइएगा कि मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ तो जी अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं आपको पता चल गया होगा कि, कि मैंने किस बारे में बात करनी है क्योंकि मैंने टाइटल में नाम लिख दिया है फोर्टी लेसन प्लान्स ठीक है बी एड के एंड इसके अलावा फर्दर और भी जिस लेवल के आपको फोर्ट लेसन प्लान्स चाहिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है जी बहुत सारे आ, मुझे मैसेजेस आ रहे थे फेसबुक पे भी व्हाट्सएप पे भी एंड कमेंट में भी मुझसे पूछा जा रहा था कि जी हमें फोर्टी लेसन प्लान चाहिए तो क्या वो अवेलेबल है पहले तो मैंने किसी को नहीं कहा था कि जी अवेलेबल क्योंकि मैंने उन पर काम नहीं किया था एंड बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आने की वजह से फिर मैंने इस पर काम कर लिया ठीक है जी मैंने एक सैम्पल भी रेडी कर लिया एंड मैंने बना के किसी को दिया भी है ठीक है जी उन्हें बहुत पसंद आया आई होप कि भी आपको मेरा पसंद आएगा बनाया हुआ काम एंड uh, मेरे काम की दो हैं जो कि मुझे लगता है बहुत बेस्ट है और मुझे लगता है कि वो मेरे काम को यूनिक बनाती हैं एक कि मेरा uh, मैं कॉपी पेस्ट वर्क नहीं करती हूँ दूसरा ये कि जी uh, जो होता है ना कि आप uh, एक ही चीज़ को आप बार बार दूसरे लोगों तक तो दे रहे हो यानी कि एक बंदे को आपने एक चीज़ दे दी है और वही उठा के फिर अगले बंदे को दे रहे हो तो ये सब कुछ है ना प्लेजरिज्म के इशू में जो ना, है ना क्रिएट करते हैं ठीक है तो इससे बचने के लिए अ, हमें कोई भी ऑर्डर आता है चाहे वो असाइनमेंट्स का हो चाहे वो कोई अ, लेसन प्लान्स का हो ठीक है इसके अलावा रिसर्च रजिस्टर्स का हो तो जो है ना हर बंदे को डिफरेंट टाइप करके दिया जाता है एंड हर बंदे को बिल्कुल उसी तरीके से असाइनमेंट को रेडी करके दिया जाता है जैसे कि यूनिवर्सिटी के रूल के मुताबिक है यूनिवर्सिटी के रूल्स ये हैं कि जिन बंदों ने अपनी असाइनमेंट टाइप करनी है ना जिन लेवल्स को जिन कोर्सेज को उन्होंने कहा है कि अपनी असाइनमेंट जो आपने टाइप करनी है वो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपने जब अपने वो करना है ना कोई भी असाइनमेंट टाइप करनी है तो उस पर आपने कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी मेंशन करनी है जैसे कि मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे अपनी एक असाइनमेंट दिखा देती हूँ ठीक है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ ठीक है जी ये मैं खोल लेती हूँ ठीक है ये जी ये मैंने एक टाइप की हुई है असाइनमेंट ठीक है Uh, uh, मेरे पास ये ऑर्डर आया हुआ है तो अभी मैं इसे यहाँ से ठीक uh, है ये इसमें जी आपने जो मेंशन करनी है ना चीज़ें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी असाइनमेंट को यूनिक बनाती हैं चीज़ें वो है ये जी यूनिवर्सिटी का लोगो ये आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो नहीं लगाना चाहो तो ना, ना लगाओ मैंने इस वजह से लगाती हूँ कि ये बहुत ही कोई ना अच्छा सा एक टाइटल पेज बन जाता है ठीक है तो ये आपकी चॉइस है ठीक है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपकी असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पे वो ये चीज़ें हैं ठीक है थीके? कोर्स का नेम ठीक है और उसका कोड उसके अलावा असाइनमेंट नंबर ठीक है असाइनमेंट नंबर कौन सी है असाइनमेंट नंबर वन है या टू है ही वो उसके अलावा आपका नेम ठीक है जो भी है उसके अलावा आपका फादर नेम रोल नंबर प्रोग्राम कौन सा है जी ये बी एड वन पॉइंट फाइव है एंड इसके अलावा ये जिस सेमेस्टर कौन सा है आर्टम ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है अपने ट्यूटर का नेम मेंशन करना है जिस भी ट्यूटर का ये कोर्स है जो आपको ट्यूटर अलाउट किया गया ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है जो आपका एड्रेस है ना अपना एड्रेस जैसे कि मेरा एड्रेस जो है मैं जिस जगह पर रह रही हूँ वो मैंने यहाँ पे मेंशन करना है यानी कि वो वाला एड्रेस जो आपने यूनिवर्सिटी को दिया हुआ है कि जिस पर आपकी बुक्स वगैरह या आपकी रिजल्ट कार्ड आता है वो वाला एड्रेस आपने यहाँ पे नीचे मेंशन कर देना है ठीक है क्योंकि ये अभी प्रोसेस में है तो मैंने अभी कुछ आ, इसे अभी एडिट नहीं किया हुआ है ठीक है अब हम हाँ वापस आ जाते हैं अपने लेसन प्लान पे तो लेसन प्लान को मैं दिखा देती हूँ आपको ये इसका पूरा क्या कैसे मैंने क्रिएट किया हुआ है ये सैम्पल है ठीक है ये जो चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है ये आपको नहीं दी जाएगी ठीक है जी इसमें आपने आ, देख लिया होगा कि मैंने ये पूरा एक टाइटल पेज बनाया ठीक है जी ये जिसका हो गया ना उसको मैंने दे दिया है ठीक है और अब मैंने इसे अपने वाटर मार्क के साथ पी कर लिया और जो इसकी सॉफ्ट फॉर्म में कॉपी थी ना एम एस वर्ड की फॉर्म में वो मैंने उड़ा दी है ठीक है डिलीट कर दी है क्योंकि मेरे काम करने की दो वजह हैं एक ना तो कॉपी पेस्ट वर्क करना है और ना ही किसी और को कॉपी पेस्ट वर्क करके देना है ठीक है तो ये फोर्टी लेसन प्लान है लेसन टाइम नंबर वन ठीक है ये ग्रेट बायोग है आप देखते जाइए ठीक है जी आ, अगर तो आपको मेरा काम पसंद आए तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है आपको ये बना के दिया जाएगा लेकिन आ, ये आ, जो है ना इसमें एक चीज़ होगी कि जो आपको लेसन प्ला, प्लान बना के दिया जाएगा ना वो नाइन्थ क्लास का ही होगा ठीक है लेकिन इसके अंदर चेंजिंग की जाएगी एंड आप इसका ले जो जी बैक साइड पर आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये वाला ठीक है ये जो अंदर कलर्स हैं ये इसका राइटिंग स्टाइल और इसके अलावा ये जो डायग्राम्स हैं ठीक है ये सब कुछ चेंज होगा ठीक है ये सेम चीज़ नहीं दे सकते क्योंकि ये सब प्लेजरिज्म का क्रिएट करते हैं एंड मैं आ, जब आ, अपनी असाइनमेंट को लिख लेती हूँ या आ, मैं जब दे सेंड करने से पहले कस्टमर को एक दफ़ा ख़ुद भी इसका चेक करती हूँ कि उसमें कोई प्लेजरिज्म का इशू नहीं आता वो मैं अपनी किसी और वीडियो में आपको आ, करके दिखाऊंगी कि प्लेजर प्लेजरिज्म का इशू जो है ना वो कैसे चेक किया जाता है ठीक है एंड ठीक है आप ये देख रहे हैं उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं एक बहुत बड़ी वो क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ जैसा कि ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ना ये लेसन प्लान एक यहाँ पे ख़त्म हो गया ठीक है इस जगह पे ठीक है यहाँ पे नीचे ब्लैंक जगह है ये मेरा वाटर मार्क छोड़ के ना आपने ये देखें ये ब्लैंक जगह ये है ये पेज का एंड यहाँ तक हो रहा है ठीक है इस जगह तक ठीक है लेकिन जो आपने काम करना है ना जब आपने नेक्स्ट लेसन प्लान स्टार्ट करना है ये वाला इस जगह पे नहीं आना चाहिए यानी कि ये वाला ना नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए ठीक है आपका हर लेसन प्लान आपके न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए ये नहीं कि आपने एक प्लान एक पेज पर एंड कर दी उसके नीचे जो जगह बाकी है आपने वहीं से स्टार्ट कर दिया ठीक है ऐसे नहीं करना आपने हर लेसन प्लान uh, को एक न्यू पेज से स्टार्ट करना है ठीक है ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई दूसरा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई है कि आपने दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आपने जो हेडिंग्स देनी है ना इस साइड पे वो बोल्ड होने चाहिए ठीक है मैं आपको दिखा देती हूँ जैसा कि ये मैंने की हुई है ठीक है ये बोल्ड है ठीक है आप ब्लैक कलर uh, में करना चाहें तो ब्लैक में कर लें या आप इसे थोड़ा सा और यूनिक बना सकते हैं ठीक है ठीके? मैं जो कलर यूज़ करती हूँ वो ग्लिटर और थोड़े से समरी शाइन कलर के लेआउट um, यूज़ करती हूँ ताकि जैसे हम बुक्स uh, बाकायदा हैंड से लिखते होते थे ना उसे बाकायदा डेकोरेट करते थे और वो दिखने भी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगती थी तो वैसे ही मैं इसे कुछ टाइपिंग uh, में करती हूँ ठीक है ताकि देखने वाला कहे तो सही कि काम हुआ है ठीक है तो आई होप कि आ, आप अगर ये सबमिट करवाओगे तो मेरी एक गारंटी है कि आपके ट्यूटर को ये काम बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने आ, मैंने ये अभी किसी को दिया है तो उसने बहुत ज़्यादा तारीफ किया है एंड <laughs> मुझे बड़ी खुशी हुई जब कोई अप्रिशिएट करता है मेरे वर्क को ठीक है एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये जो होता है ना आप जब इसे एडिट कर रहे होते हैं ये जो आपको नजर आ रहा है ना डी एन ए ये लास्ट पे बिल्कुल लास्ट पे टच हो रहा है तो ये सारी चीज़ें लास्ट पे टच नहीं होनी चाहिए ये मैंने जब सबमिट किया था तो इसे मैंने सेट कर दिया था लेकिन जो ये अगर पढ़ा वैसे ही मैं पी डी एफ में नहीं कन्वर्ट किया था तो एम एस वर्ट की फॉर्म में भेजा था तो ये मैं इसे सेव करना भूल गई थी दोबारा तो ये फिर उसी फॉर्म में आ गया जब आपने इसे हेडिंग इनको सेट कर लेना ना ताकि ये लाइन के साथ टच ना करे एक प्रॉपर वे में नजर आए ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे भी क्वेश्चन जारी है सॉरी uh, क्वेश्चन कह रही है आगे भी सेंटेंस जारी है तो आगे क्या लिखा है वो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा इसलिए आपने क्या कहना ये मास्टर को मॉलिक्यूल्स ऑफ के साथ ले आना है ठीक है ताकि uh, पता चल जाए कि जुमला ये है ठीक है एंड जब इसे एडिट करो तो फौरन इसे सेव करते जाओ ये नो मेरे वाला काम करो फिर बाद में ये चीज़ होती है ठीक है तो ये हो गए हमारे uh, ये अभी बायो के ही है मेरे ख्याल पता नहीं कौन से थे बातों बातों में ये भी बोल दी हाँ जी ये बायो का नाइन्थ वाला है ठीक है <laughs> ये हो गया जी ये हमारा इको सिस्टम आ गया ठीक है एंड आप फर्दर हमें अपनी मर्जी से भी बता सकते हैं कि हमारे लेसन प्लान के अंदर ये ये वाले टॉपिक्स जो है ना होने चाहिए ठीक है वो भी कर हम शामिल कर सकते हैं ठीक है ट्रूली स्पीकिंग uh, uh, हम न्यू वर्क है एंड बट ये यूनिक वर्क है ठीक है क्योंकि टाइपिंग पे पहले आई थिंक नहीं होते थे ये लेसन प्लान्स वगैरह मुझे नहीं इसका भी कुछ पता पहले मैं काम करती रही लेकिन ऑनलाइन अब मैं हुई हूँ ठीक है तो आई होप कि आपको मेरा काम पसंद आएगा एंड uh, मैं जब वर्क करती हूँ तो बिल्कुल ऐसे करती हूँ जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ ठीक है ये आप आ, अगर तो आप जो है ना हमें ऑर्डर करोगे तो हम आपको दोबारा से बना के देंगे ये इसको बनाने का ड्यूरेशन फाइव डेज़ का होता है फाइव डेज के बाद आपको ये डिलीवर किया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे ठीक है आप हमसे वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड चैनल का तो आपको पता ही है ठीक है इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखनी है जैसे कि हम वॉइस में कैसे टाइप कर सकते हैं इंग्लिश उर्दू में पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनी हुई है ठीक है आप मेरी